हेलो so ट्रेडर्स इस वीडियो में बात करने वाले निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अब देखिए आज इवनिंग में आज संडे आज इवनिंग में एक्जैक्टली exactly रिजल्ट्स आ जाएंगे हमारे इंडियन के इलेक्शंस के तो अब हम लोग करंटली अगर कर देखते हैं सो so फार जो अपडेट आया है तेलंगा को छोड़ के बाकी जो मेजोरिटी छत्तीसगढ़ राजस्थान मध्य प्रदेश उसमें बीजेपी डोमिनेट कर रहा है बीजेपी डोमिनेट कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं एक स्टेबल गवर्नमेंट है जो एग्जिटिंग गवर्नमेंट है उसी को कंटिन्यू रहना है और जिस हिसाब से फॉरन इन्फ्लूस वगैरह आ रहे हैं तो वो कंटिन्यू हो सकते हैं दो में कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है कि बीजेपी ही आने का ही हाईली चांस है क्योंकि बहुत ज्यादा डोमिनेट जैसा पहला था वैसा ही डॉमिनेट जो हम लोगों को टेंशन था कि भाई नहीं शायद कांग्रेस डोमिनेट कर सकती है कुछ चेंजेस होंगे सो फार तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा तो रेस्ट आगे का देख लेंगे अब फ्राइडे के दिन पे यूएस मार्केट ने भी अच्छी रैली की है हमारा एक्सजीएस निफ्टी मतलब जो गिफ्ट निफ्टी है उससे भी अच्छी मोमेंटम दिखाई है तो अभी कल मंडे के दिन पे मार्केट में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। अगर तो वीडियो करने से पहले चैनल फर्स्ट टाइम आई हो तो डू सब्सक्राइब टू तो वीपी फाइनेंशियल चलिए स्टार्ट करते हैं अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ग्लोबल मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि यूएस मार्केट ने भी लगभग लगभग यहाँ पर अच्छी मोमेंटम दिखाई है फ्राइडे फ्राइडे क्लोज होते होते और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है उसने भी लगभग यहां पर सवा से डेढ़ पॉइंट के अंदर एक अच्छी मोमेंटम यहाँ पर क्लोज होते हुए दिखाई है हमारे मार्केट के क्लोज होने के बाद अब यहां पर हम बात करते हैं कि अपने को एक्सैक्टली exactly मंडे के दिन पे क्या करना है और क्या एक्सपेक्ट करना है कैसे मैं पर्सनली यहां पर प्लान कर रहा हूं वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं तो लेट स्टार्ट विद द बैंक निफ्टी फर्स्ट बैंक निफ्टी पे यहां पर हम देखेंगे पहले तो हमको ये समझना है कि ये जो मार्केट में ये जो बैंक निफ्टी में गिरावट आई थी उसके अगेंस्ट वे मार्केट अब कहां तक पहुंचा है कितना रिट्रेसमेंट क्या ये रिट्रेसमेंट है या ये पुल बैक है ट्रेंड चेंज है उसको समझने के लिए अपने को यहां पर क्या करना पड़ेगा अपने को यहां पर फिबोनाची यूज करना पड़ेगा टॉप बॉटम मैंने यहां पर बोना चीड्रॉ किया अब आइडियली क्या होता है डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट को 23.6 थ्री परसेंट रिटर्न आना चाहिए अगर एग्रेसिव सेलिंग होती है तो यहां पर हमको क्लियरली दिख रहा है ऐसा तो कुछ भी नहीं है फिर उसके बाद थर्ट एट पॉइंट टू परसेंट के आसपास पर को सेल ऑफ दिखना चाहिए बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहां पर फिर यहां पर हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं फिफ्टी परसेंट के आसपास एक स्टॉप तो दिखाया था बट यहां पर अपने को कुछ ज्यादा खास डाउन साइड नहीं एटलीस्ट ये लेवल तक आता तो हमको समझ में भी आता उसके बाद कंटिन्यू फॉर रिप्लेसमेंट के बाद नीचे जाना चाहिए था बट ऐसा भी नहीं हुआ कहीं ना कहीं मार्केट और ऊपर चला गया अब यहां पर हम देख रहे हैं कि सिक्स वन एट लेवल्स के आसपास यहां पर आया था रिजेक्शन बट नेक्स्ट डे पे गैप अप खुलने के बाद एक ग्रीन कैंडल यहां पर बनाया ठीक है अब एज पर रूल जित ना मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ रेस्ट मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम कोई भी भगवान नहीं यहाँ पर कोई भी जज नहीं कर सकता मार्केट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई बट जो इतिहास में हुआ है मैं उस बेसिस पे यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा बताने की कोशिश कर रहा हूं। कि जब भी ऐसा होता है कि चलो भाई एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ

फिर रिट्रेसमेंट किया ये चैनल के अपर साइड पर टच हुआ फिर मार्केट नीचे आया फिर यहां पर सपोर्ट लिया अब यहां पर दोबारा अगर आप इसको ध्यान से देखते हो एक तो यहां रिजेक्शन किया लोगों के स्टॉप लॉसेस ऊपर के रेवल्स पे अब यहां पर एक अगेन ऊपर से विक बन गई है ठीक है तो अगर लेट से कल के दिन पे गैप अप खुलता भी है तो प्रोबेबिलिटी इसकी बन जाती है कि वो अगेन एक ऐसा रेड कैंडल यहां पर बना सकता है ठीक है तो यहां पर अपने को दो कंफर्मेशन मिल रही है वो क्या एक एस पर परसेंट रूल जब भी को टच करता है है उसको फिर फिर दोबारा नीचे की है, की तरफ तरफ आना जाके ऊपर वो जा सके दूसरा बैंक निफ्टी जो है हमारा वो कहीं कही ना कहीं अपर चैनल लेवल्स के आसपास यहां पर ट्रेड कर रहा है तो अगर मैं इसी को अवली चार्ज के ऊपर कन्वर्ट करता हूं समझता हूं इस लेवल पर कोशिश करने की कोशिश करता हूं समझने की तो लेट से कल के दिन पे करते हैं कल के दिन पे मार्केट फ्लैट खुल जाता है या हल्का गैप डाउन फ्लैट खुलने के नीचे हल्का दो पॉइंट मिल गया हम यहां पर सेल करें नहीं मार्केट को पहले हम लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा यहां से एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा ऐसा ठीक है ट्रेंड लाइन कर दिया ऐसा ये सपोर्ट लेवल है सेम इसी लेवल पे सपोर्ट लिया दोबारा अगर कल मार्केट फ्लैट खुलने के बाद नीचे आ रहा है या गैप डाउन खुलता है और ये सपोर्ट जो एक ग्रीन कैंडल है जो यहां पर बायर्स दिख रहे हैं यहां पर एक गैप अप खुलने के बाद उसको ऐसा ब्रेक कर देता है मतलब ये कौन सा लेवल है फोर्टी तो एक कंफर्टेबल वाला सिनेरियो हमारे लिए बन जाता है कि हाँ चलो बॉस अब इसने ये ब्रेक किया है तो एक रिट्रेसमेंट यहां पर इसका ड्यू हो जाता है उसके बाद हम यहां पर सपोर्ट लेवल की एक टारगेट के हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं दट इज फोर्टी वाला लेवल उसके नीचे अगर आता है तो स्ट्रॉन्ग इसका बेस लेवल है फोर्टी एंड उसके नीचे जो आता है लास्ट वाला दैट इज फोर्टी ये जो एक्चुअली लेवल अगर देखा जाए तो ये वाला लेवल है जो कि मेजर सपोर्ट आके बैठेगा फोर्टी ये चैनल का बॉटम वाला लेवल है ओके आई होप द होपॉइंट इसलिए मैं आप आपको क्या समझा रहा हूं कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती तो सेल नहीं करो जज नहीं करना है अपने हो सकता है फ्लैट ओपनिंग होने के बाद साइड होने के बाद एक ब्रेकआउट दे दे और ऊपर चला जाए तो अपने को वैसा नहीं करना है फ्लैट ओपनिंग होती है गैप डाउन ओपनिंग होती है ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के नीचे निकलता है ब्रेक डाउन ऐसा मिल गया अपने को 44,530 लेवल्स को ब्रेक करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ बहुत कहीं ना कहीं नीचे का जो लेवल है हम लोगों का एज एन फर्स्ट टारगेट ऑफ सपोर्ट के हिसाब से फोर्टी फोर थाउजेंड टू नाइनटी वो यहाँ पर अचीव कर सकता है ठीक है अब लेट से जैसे कि हम यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी को देख रहे हैं वो तो गैप अप खुलने के इरादे से दिख रहा है अगर कल गैप अप खुल गया तो तो देखो सिंपल सा फंड है लेट्स से कल आज की क्लोजिंग हुई है 44,815 कल खुल गया लेट्स से 45,080 या 45,150 ऐसा कुछ खुल गया ठीक है अगर सवा सो पॉइंट निफ्टी है तो ढाई पॉइंट के आसपास तो बैंक निफ्टी लगभग खुल सकता है गैपअप के हिसाब से अगर हम एक वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो तो ये लेट से कल यहां खुल गया तो खुलते ही क्या करना है अपने को? खुलते ही वेट करना है इस रिट्रेसमेंट का ठीक है अब ये रिट्रेसमेंट क्या काम का है इधर क्या है जो मैं यहां पर रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा इस जोन के आसपास एक रिट्रेसमेंट अगर आता है तो यहां पर मैं बाइंग के हिसाब से देखूंगा क्यों बाइंग के हिसाब से देखूंगा बहुत सिंपल सा फंडा है यहां पर मार्केट ने स्ट्रगल मार्के किया है ठीक इस जोन के आसपास मार्केट ने स्ट्रगल किया ब्रेकआउट दिया कल के दिन पे यहां पर गैप अप थोड़ा हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट आता है तो अपने को आराम से यहां पर डेढ़ सौ से पौने दो सौ पॉइंट का अपने को यहां पर एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है फिर शायद मार्केट नीचे की तरफ यहां पर आ जाए तो कल अगर गैप अप खुलता है तो ऊपर में बाइंग सेलिंग खुलते ही कुछ मत करो वॉलिटिलिटी होगी मोमेंटम होगा ये होगा होगा वो प्रॉफिट बुकिंग होगी जो भी अपने को यहां पर सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर गैप अप खुलता है अच्छा खासा गैप अप खुलता है तो वेट फॉर रिट्रेसमेंट ये वाला जो, जो जोन है डेटेस्ट इज फोर फोर्टी यहां पर हम छोटा सा सिक्सटी पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस प्लान करते हुए एटलीस्ट वन पॉइंट्स का टारगेट हम यहां पर प्लान कर सकते हैं अगर लेट से अपना पर हिट भी होता है तो नीचे वाला लेवल तो, तो पॉइंट्स के आसपास तो बैठेगा तो ऐसे अपने को प्लान करना है बैंक मैं इसको ऐसे ही देख रहा हूँ खुलता है तो ऊपर में मैं सेलिंग वगैरह नहीं करूंगा नीचे आता है डिप लगेगा तो देखो मार्केट ऊपर जाता है लेट से मार्केट ऊपर रहा है ऐसा तो जो फर्स्ट डिप आता है ना फर्स्ट डिप इस पे टाइम नाइन्टी परसेंट ऑफ द चांस होता है कि फर्स्ट डिप में वो कभी भी ऐसा मार्केट नहीं गिरता मार्केट की फितरत होती है कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है जब ये फर्स्ट डिप लगता है ना तो सबसे पहला उसका जॉब होता है कि एक रिट्रेसमेंट ऐसा देना कि मतलब जो भी सैलर यहां पर आया इस लेवल्स के आसपास सैलर आया वो डेफिनेटली निकल जाए उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आए तो हम लोग इस पॉइंट को कैप्चर करने की यहां पर कोशिश यहां पर करेंगे आई होप द पॉइंट इस क्लियर कि गैप अप खुलता है तो क्या करना है फ्लैट है 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 गैप डाउन खुलता तो अपने को पर क्या करना है? ये है बैंक निफ्टी का प्लान मेरा निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखो निफ्टी डेली चार्ट के ऊपर पहले हम लोग समझेंगे निफ्टी ने लगा दिया है लाइफ टाइम हाई अब लाइफ टाइम हाई के बाद कुछ लोगों को आइडिया है कुछ लोगों को आइडिया नहीं कि इसका हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस या टारगेट कैसा देखो एग्जैक्टली exactly कोई फुल प्रूफ ऐसा कोई तरीका नहीं है बट जो चीजें यूज लाइक करते हैं जिसकी शायद मार्केट रिस्पेक्ट भी करता है वो है फिबोनाची ट्रेंड बेस एक्सटेंशन ठीक है इसको हम क्या करते हैं इसको हम लोग यटा देते हैं पहले इसको हम लोग बॉटम से लेके टॉप तक हमने ये ड्रॉ किया ये जो इसका रीसेंट स्विंग लो बना और यहां पर हम लोग देखते हैं कि इसका जो टारगेट बैठेगा आईडियली बैठना चाहिए जो तो इसका जो फर्स्ट लेवल आके बैठता है वो लगभग बीस हजार पांच सौ के नीर अबाउट बैठता है और दूसरा जो उसका टारगेट बैठता है तकरीबन ट्वेंटी थाउजेंड सेवन ट्वेंटी फाइव मतलब तो दस बीस पॉइंट ऊपर नीचे आप कंसीडर कर सकते हो तो ये आइडियली टारगेट इसके ऊपर वाले बैठते हैं ये कैसे निकाला मैंने इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया मैंने बहुत बार वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया हुआ उसके बारे में एक बार आप देख लीजिएगा इसका कैसा होता है कैलकुलेशन इसका कैलकुलेशन ऐसा होता है कि ये जो स्विंग बना रिसेंट स्विंग

तो इसका कुछ ना कुछ सेटअप वगैरह नहीं बन रहा है अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं कि सेलिंग का से फॉलो किया ठीक है इसका करने का, तो अगर यहाँ पर देखूं, तो इस लाइन को निफ्टी ने बहुत अच्छे से फॉलो किया।, किया हुआ है यहां से देखो सपोर्ट 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 और मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गया अब दोबारा जब इसको ब्रेक करता है मतलब ये कौन सा लेवल आगे निकलता है ये लेवल तकरीबन आगे निकलता है ट्वेंटी थाउजेंड थर्टी का फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो इसका मेजर सपोर्ट लेवल है निफ्टी का डेट इज नाइनटीन थाउजेंड एट एट्टी वो लगभग हमको यहां पर आते हुए दिख सकता है अब देखो क्लोजिंग हुआ है बीस हजार दो सौ पचपन ठीक है अब मैं यहां पर बोल रहा हूं सेलिंग करने के लिए बीस हजार तीस मतलब ये हो गया लगभग दो सौ तीस पॉइंट का गैप अब अगर कल को गैप अप भी खुल जाता है मतलब यहां पर प्लस और सौ पॉइंट ऐड कर दो तो मतलब ये हो गया बीस हजार तीन सौ पचास के आसपास तो हम लोग तीन सौ तीस पॉइंट नीचे रुक के उसके बाद फिर सेलिंग करेंगे तो क्यों लॉजिकल होगा नहीं हुआ तो यहां पर इसलिए आपको ध्यान देना है कि निफ्टी में एज ऑफ नाउ हमको ट्रेड करना थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा जब तक निफ्टी नीचे खुद से नहीं आता है एक सर्टन लेवल्स के ऊपर हम लोगों को सपोर्ट वगैरह नहीं दिखता है तब तक हम बाइंग भी नहीं और सेलिंग भी नहीं इसमें करेंगे क्योंकि इसमें लॉजिकल वे में जिस हिसाब से इतना स्ट्रॉग अपमूव आते गए आते गए आते गए तो थोड़ा नॉर्मलाइज उसको होना होना चाहिए नॉर्मल अगर होता है उसके बाद एक सर्टन लेवल्स के ऊपर हम बाइंग का या सेलिंग का कुछ प्लान करते हुए यहां पर काम कर सकते हैं रेस्ट सेलिंग अगर मैं लेट से कल फ्लैट खुलता है यहां पर मैं सेल करूँ फिर

थोड़ा सा अगर हम निफ्टी से दूर बैठेंगे तो ज्यादा बेटर है क्लैरिटी जो है बैंक निफ्टी के अंदर है और एकदम ज्यादा क्लैरिटी है मतलब कि चलो तो यहां से अगर गैप अप खुलता है और नीचे की तरफ आता है तो हम यहां बाय करते हुए ऊपर का टारगेट नीचे का स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं नीचे खुलता है तो ब्रेक डाउन देते हुए नीचे के टारगेट प्लान कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी है ज्यादा हेड नहीं कि हाँ हम टारगेट के लिए कहां रुके स्टॉप लॉस के लिए कहां रुके नहीं सब कुछ क्लैरिटी है निफ्टी में कैसा है ना कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन क्रिएटेड है क्यों क्योंकि ये जो अगर ट्रेड लाइन से जो मोमेंटम नहीं आती वाली ये ये जो कुछ ज्यादा स्टेच अगर ये इस जोन के आसपास

Thanks for watching. We'll see you in the next video.